ब्लॉगर जो हैं दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं न्यू और एक होते हैं प्रो, और ये सारा खेल इन्हीं दोनों का है। अब कब कौन सा न्यू ब्लॉगर फेक अर्निंग रिपोर्ट दिखा के प्रो बन जाए और कब कौन सा प्रो एडसेंस बैन होने की वजह से वापस न्यू जैसा हो जाए पता ही नहीं चलता। ब्लॉगस्फीयर की कहानी जरा टेढ़ी है, दूर से देखो तो सीधे साधे गीक्स की बस्ती लगती है, मगर पास जाकर देखो तो एक से बढ़कर एक ब्लैक हैट शहंशाह इसमें बैठे हैं। न्यू ब्लॉगर्स के गैंग का मुखिया था सरदार खान। सरदार खान जो बचपन से ही डैरन रॉस की तरह गंजा था। हमारे जिंदगी का एक के मकसद है लिंक बिल्डिंग। रेबनॉल सिंह की पेज रैंक को बढ़ते देखा नहीं जाता। उस हरामी को हमें पेनलाइज करवाना है। कमेंट नहीं करेंगे, गेस्ट पोस्ट करके लेंगे उसकी। वहीं दूसरी तरफ था प्रो ब्लॉगर्स का लीडर रेबनॉल सिंह, जो अपने प्रो ब्लॉगर साथियों के साथ पूरे ब्लॉगस्फीयर पर अपना वर्चस्व जमा चुका था। वो बड़ी बड़ी पीआर एजेंसी से पेड पोस्ट लेता और सस्ते दामों पर न्यू ब्लॉगर्स के ब्लॉग भी पब्लिश करवा देता। जब ये बात सरदार खान को पता चली तो उसने पेड पोस्ट एक्सेप्ट तो कर ली, पर पेमेंट होते ही पोस्ट को डिलीट कर दिया। मालिक, कोई आदमी पेमेंट लेके पोस्ट डिलीट कर रहा है। कौन? अरे कौन डिलीट कर रहा है? सरदार खान। ऑफिस बुलाओ उसको। नहीं आएगा, कह रहा था कि वापस पोस्ट पब्लिश चाहिए तो पेमेंट पूरी देनी होगी। बुलाओ उसको, खाने पे बुलाओ। उसके ब्लॉग की रैंकिंग पहले से 10वें पेज पे ना ला दी तो मेरा नाम नहीं। रेबनॉल सिंह सरदार खान को पहचान नहीं पाया, शायद मुझे भी नहीं। हालांकि उसने गेस्ट पोस्ट की थी मेरे ब्लॉग पर अपना बैकलिंक पहचानता था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ब्लॉग यूआरएल भूल जाते थे पर अपने किए हुए गेस्ट पोस्ट नहीं। कहां लिखा है पेड पोस्ट आपका है? अगर आपका है तो बैकलिंक दिखाइए। पोस्ट हमारे लोगों का है, डील कर चुके हैं हम, और ये जो पोस्ट डिलीट करने का चुतियापा तुम कर रहे हो ना, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। सोच समझ के कमेंट कीजिए सिंह साहब, नो फॉलो डू फॉलो का फर्क हमें मत समझाइए। ये रहा ब्लॉगिंग सेट कोर्स का सर्टिफिकेट। साले तुमको पता नहीं कौन है अब, क्या है हमारा अलेक्सा है? अरे आपको नहीं पता हमारी डोमेन अथॉरिटी, जब अपने पिताजी के पोस्ट शेयर कर रहे होंगे ना तब पूछिएगा इनसे हम कौन हैं। सरदार खान से तंग आकर रेबनॉल सिंह ने सुल्तान से हाथ मिलाया। सुल्तान जो 12 साल की उम्र से पूरा ब्लॉग खुद ही चलाता है और आज भी दिन का 60 गेस्ट पोस्ट लिखता है, इसलिए पूरी गूगल की वेब स्पैम टीम उससे डरती है। ये सुल्तान है। अरे आओ, अरे अरे ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। फिर वही बात, कैसे सब? बढ़िया जी जी। हमने सुना तुम्हारे ब्लॉगर ब्लॉग्स के साथ क्या हुआ। अरे खाएंगे, देखो कौन आया है। सुल्तान पहचानी ना? हाँ हाँ, कमेंट आया रहा एक बार तो भेज दे, ऑथर बायो में गेस्ट पोस्ट बाय सुल्तान। कितने पोस्ट डिलीट हुए? जी 12 पोस्ट डिलीट हो चुके हैं मालिक। वो साला सीधा डीएमसीए मारता है, कॉपी ब्लॉक करने से मुकाबला थोड़ी होगा। तो माइग्रेशन की तैयारी करो, वो डीएमसीए करता है तो हम तुम्हें सेल्फ होस्टेड ब्लॉक देंगे। खत्म करो सालों को, चुन चुन के हर पोस्ट की रैंकिंग छीन लो। ये लो जस्ट रिट्वीट का पासवर्ड, हो पाएगा? हाँ हाँ मालिक। सुल्तान ने दुर्गा की मदद से सरदार खान को कैसीनो पोस्ट के ऑफर दिए। हाई पेइंग पोस्ट देखकर सरदार खान का मन ललचा गया और उसने कैसीनो पोस्ट एक्सेप्ट कर ली। तभी सुल्तान ने बैंक कट्स की मदद से पांडा और पेंगुइन अपडेट्स चलवा दी और तभी सरदार खान का ब्लॉग अर्श से फर्श पर आ गया। सरदार खान की रैंकिंग इतनी गिरी कि उसको होस्टिंग के पैसे निकालने भी मुश्किल पड़ गए और उसका ब्लॉग डिलीट हो गया। एक बार फिर
न्यू और प्रो ब्लॉगर की इस जंग में एक बार फिर प्रो ब्लॉगर ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया।